क्या आपकी हथेली पर भी बनता है आधा चांद? हथेली पर बने आधे चांद का क्या है राज? आपकी हथेली का चांद क्या कुछ कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हस्तरेखा के जानकार राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। कहते हैं कि हाथों की ये लकीरें कहें या फिर हथेली जो होती है हमारी बहुत कुछ कहती हैं, और इसलिए आज हमने सोचा है कि जो ये लकीरें होती हैं खासतौर पे जो हमारी हृदय रेखाएं जो होती हैं जब ये आपस में मिलती हैं, और आपने खासकर देखा होगा कि आपके हाथ में एक चांद बनता है, आखिरकार हथेली में बनने दो हथेलियों के जोड़ने पर बनने वाला ये चांद क्या कुछ कहता है, अपने अंदर कौन कौन से राज छुपा के रखता है, इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं, पूरे विस्तार पूर्वक आज हम जानेंगे चतुर्वेदी जी से जी। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम मैंने बचपन से देखा है कि जब दो हाथों की हथेली मिलाते हैं तो हमारा एक चांद बनता है जी। कहते हैं कि हमारी ये एक तरह से लाइफ लाइन होती है जी। तो ये चांद जब बनता है कितने प्रकार के बनते हैं, क्योंकि ना अलग अलग लोग को किसी का चांद थोड़ा ऊपर होता है, किसी का चांद छोटा, किसी का चांद बड़ा बनता है, तो कितने प्रकार के ये बनते हैं और किस तरह से इनका प्रभाव होता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कविता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि हस्तरेखा जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है हम सब में, आम जनता में। तो दर्शकों, आप सब के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो ये आप जानें कि किस रेखा से चांद को लेना है। जैसा कि कविता ने कहा कि हृदय से संबंधित रेखा है ये, और आप सब के हाथ में आप देखेंगे कि बृहस्पति पर्वत के और नीचे आकर आप देखेंगे कि इधर से आने पर बाद आपको यहाँ से जो उठता है और बुध पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है जिसको हृदय रेखा हम कहते हैं, उससे दोनों हथेलियों को जब आप ज्वाइंट करते हैं तो ये जो चांद बनता है, तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी इमेजेस की देखने को आपको। और उस चांद का बहुत महत्व है, वह महत्व क्यों है? अब पहली चीज आपने कहा कितने तरीके से बनता है कविता जी, पहली बात कि चांद हम तभी उसको कहेंगे जब वह पूर्ण चंद्राकार आकृति लेगा जी। जब वह पूर्ण चंद्राकार मतलब हाफ कर्व की वह लेगा, सर्कल को जब हम डिवाइड करते हैं तो वह जो अर्ध चंद्राकार आकृति है वह जब लेगी तो उसी को हम चंद्राकार आकृति मानेंगे, उसी को चांद मानेंगे। जैसे कि अब मेरे हाथ में अगर आप सब देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं फ्लैट है, इस तरीके से आ जाती है रेखा, तो इसको हम चंद्राकार प्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब वो चांद का अर्ध चांद का जब रूप लेगा कविता जी, तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों रेखाओं जो है, दोनों हथेलियों की रेखाएँ जो आ रही हैं, वह कहीं ना कहीं हृदय रेखा से बनने वाला यह चांद है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किस मूल चीज से यह बन रहा है चांद। अगर यह हृदय रेखा से, तो जाहिर सी बात है यह आपके हृदय से संबंधित, आपके संबंधों से संबंधित, और साथ ही साथ क्योंकि हमने कहा है कि यह आपके सबके अंदर थोड़ा सा इसको भ्रम है, पहली भी वीडियो में इस पर हमने क्लियर कर दिया है कि हृदय रेखा को हमारे पुरातन शास्त्र में, पुराने समय में आयु रेखा भी मानते थे, जो कि बहुत हद तक आज भी सार्थक है जी। क्योंकि आज भी हमारे लिए, हमारे विज्ञान ने भी कह दिया कि ठीक है मस्तिष्क जिंदा है तब तक हम जिंदा है, लेकिन हम उसको जीवित नहीं मानते हैं, क्योंकि हृदय रेखा, हृदय गति रुकने के बाद हम मृत्यु मान लेते हैं, मृतक मान लेते हैं उस शरीर को। तो कहीं ना कहीं यह जो हृदय रेखा के द्वारा जो चांद बन रहा है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी पहली चीज़ लाइफ लाइन जिंदगी के लिए, हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर के लिए। अब यह पार्टनर अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, आप अगर व्यापारी हैं तो वहां भी यह रेखा काम करती है, आप पति पत्नी के संबंध में हैं वहां भी यह रेखा प्रभावी होती है, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो वहां भी यह रेखा प्रभावी होगी, अलग अलग तरीके से प्रभाव होगी, भाव बदल जाएंगे लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं वही रहेगा कविता जी। तो राकेश जी, मैं इससे आगे बढ़ती हूँ और आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिरकार जो आज हम बात करें कि हथेली पे जो चांद बनता है, इसका किस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है?
देखिए, अगर जैसा कि हमने कहा कविता जी, पूर्ण अर्धचंद्राकार आकृति बन रही है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, अगर पूर्ण अर्धचंद्राकार आकृति बन रही तो वह व्यक्ति बहुत आकर्षक प्रवृत्ति का होगा, चाहे वह शरीर से कह लें या फिर चेहरे से कह लें या फिर उसके वाणी भाव से, उसके विचारों से कह लें, तो कहीं ना कहीं उसका आकर्षण आपके सम्मुख झलकेगा, उससे आप बहुत आसानी से आकर्षित हो जाएंगे। दूसरी चीज कि अगर पूर्ण अर्धचंद्राकार आकृति ले रहा है तो पति पत्नी के संबंध या उसके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे कहीं से भी मित्रता के संबंध में है, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा हृदय से जुड़ने वाला व्यक्ति होगा। अगर उसके साथ आप रहेंगे तो वह आपके लिए अपना सर्वत्र देने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन अगर कहीं से भी वह जो आकृति बन रही है तो अगर वह पूर्ण चंद्राकार नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का स्वभाव रहेगा, वह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखेगा, मतलब वह कहीं ना कहीं लाभ हानि देखेगा, रिश्तों में भी वह कहीं ना कहीं जोड़ेगा। इसके साथ ही वह थोड़ा सा जो मानसिक रूप से उसकी जो स्थिति रहेगी वह आक्रामक रहेगी, जो भी अगर कर्व नहीं है पूरी तरीके से, अर्धचंद्राकार नहीं है तो उसके लिए, तो हाँ अगर थोड़ा सा फ्लैट आ रहा है तो उसके लिए जो मानसिक स्थिति रहेगी वो बहुत एग्रेसिव रहेगी, सॉफ्टनेस उसके अंदर नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं सख्त उसका स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर कहीं से भी उसका पूर्ण चंद्राकार आकृति बन रही है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का रहेगा, लेकिन अगर पूर्ण चंद्राकार की प्रवृत्ति है तो उसके स्वभाव में कन्फ्यूजन, भ्रम कहीं ना कहीं पैदा करेगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा कविता जी, और उसके मन में चंचलता ज़्यादा रहेगी, चाहे वह संबंधों को लेकर हो, चाहे वह अपने व्यक्तिगत निर्णय को लेकर हो, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए निर्णय को लेकर, कहीं से भी उसके मन में चंचलता ज़्यादा दिखेगी कविता जी। और जैसे कहते हैं ना कि हमारे हाथों की जो लकीरें होती हैं हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा उजागर करती हैं, और इसी तरह के हम हस्तरेखा से संबंधित विषय आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है हस्तरेखा से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित या फिर ज्योतिष विद्या से संबंधित, आपकी अपनी कोई भी दुविधा है, कोई भी कठिनाई है या फिर कहें कि कोई भी परेशानी जो ज़िंदगी में चल रही हो उसका निवारण अगर आप ज्योतिष शास्त्र में ढूंढ रहे हैं और चतुर्वेदी जी से पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आपकी हथेली पर भी बनता है आधा चांद? हथेली पर बने आधे चांद का क्या है राज? आपकी हथेली का चांद क्या कुछ कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर।